नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेशनल न्यूज में। साथियों, आज की खबर के मुताबिक आपको बता देते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याएं बताई हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को निराकरण के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को अपनी समस्याएं बताते हुए उनको ज्ञापन सौंपा है और भविष्य में ऐसी कामना की है कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव मुख्यमंत्री जो कि हमारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको। लाडली बहना रक्षाबंधन कार्यक्रम के लिए रविवार को शहर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने स्वागत हेलीपैड पर आउटसोर्स कर्मचारी संघ द्वारा किए गए एवं ज्ञापन लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं से अवगत भी कराया। जी हाँ, तो इसको बताए थे आपको कि आउटसोर्स कर्मचारी संघ की जिला उपाध्यक्ष वर्षा कछुआए द्वारा ज्ञापन की प्रति भेंट की गई। ज्ञापन द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विद्युत मंडल में आउटसोर्स कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ना ही कोई उपकरण दिया जाता है, ना ही कोई औजार उपलब्ध कराया जाता है। कर्मचारियों को वेतन में जोखिम भत्ते का लाभ भी नहीं मिल रहा है। विधानसभा चुनाव के पूर्व संकल्प पत्र में पेज नंबर 81 पर मोदी की गारंटी के रूप में आउटसोर्स कर्मचारियों को भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बात कही गई थी, उसका भी पालन आज तक नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर को विभाग में सीधा भुगतान करने का आदेश हुए थे, उसका भी पालन आज तक नहीं हुआ है। इसके साथ ही उज्जैन PWD में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी महेश राहुल शर्मा का इन्फेक्शन के कारण पैर कट गया। उन्होंने परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है, उनकी जगह उनकी पत्नी को शासन की संस्था में योग्यता अनुसार पद पर नियुक्ति दी जाए जैसी अनेक मांगों को रखी गई है। जानकारी आउटसोर्स कर्मचारी समिति जिलाध्यक्ष गुलशन मंसूरे ने दी है। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी जो कि बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है, ना ही उनको कोई सुरक्षा उपकरण दिया जाता है, ना ही उनका समय पर वेतन भुगतान किया जाता है, यहाँ तक कि PF भी उनका समय पर नहीं किया जाता है। और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दिन रात सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी ही कार्यरत हैं। यहाँ तक कहा जाए तो मध्य प्रदेश में रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो आउटसोर्स कर्मचारियों कोई गलत नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा काम आउटसोर्स कर्मचारी ही करते हैं। और बता दें आपको कि बिजली विभाग में तो पूरा देखा जाए तो 75% आउटसोर्स कर्मचारी की ही आबादी है। तो साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को इतना शेयर करिए और आप चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को इतना शेयर करें जिससे सभी आउटसोर्स कर्मचारी तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।